नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। अब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात कर लेते हैं। मात्रात्मक रिसर्च कौन से होते हैं, जिसे परिमाणात्मक रिसर्च भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली सांख्यिकी, ये जो नंबरिंग की बात करते हैं, मेनली इसमें ये देख लेंगे कि नंबर की बात करते हैं। यह निगमन यानी डिडक्टिव पर आधारित है। सबसे पहले अधिकतर क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि इसमें कौन सी रिसर्च, जैसे डिडक्टिव अलग अलग ऑप्शन दिया होगा, इंडक्टिव डिडक्टिव या किस तरह से कौन सी है। तो इसमें ये डिडक्टिव या निगमन पर आधारित है। किस पर आधारित है, निगमन पर, डिडक्टिव। इसमें पहले हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना का निर्धारण करते हैं, पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना बनाते हैं। इसमें सिद्धांत भी पहले से निर्धारित रहते हैं। यह रिसर्च डेटा पर ही आधारित रहता है, यानी डेटा यानी जितने भी नंबरिंग की बात होती है डेटा पर आधारित होती है, तथा निष्कर्ष भी डेटा द्वारा ही निर्धारित रहता है। यह रिसर्च आदेशात्मक है। यह रिसर्च कैसा है, आदेशात्मक है। यह घटना और परिणाम या प्रभाव के बीच संबंधों पर केंद्रित होता है। क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक रिसर्च में सूचना सांख्यिकी है, ये सूचना सांख्यिकी रूप में होती है। या सर्वेक्षण, संरक्षित साक्षात्कार यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, अभिलेखन, अभिलेख, रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें इनमें शामिल होती है। और रिपोर्ट की समीक्षा का डेटा कलेक्शन होता है। गुणात्मक अनुसंधान होगी क्वांटिटेटिव। अब आता है क्वालिटेटिव, जिसमें हम सर्वे मेथड यूज़ करते हैं, यानी सामाजिक तौर पे स्थिति का वर्णन करते हैं, वो सारे गुणात्मक हो जाती, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। इस रिसर्च को आगमन यानी इंडक्टिव, वहाँ पर जो क्वांटिटेटिव नंबरिंग की बात करते हैं वो हमारा आ जाता है निगमन यानी डिडक्टिव हो जाएगा, बट हमारा जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें वो जो है इंडक्टिव रिसर्च पर आधारित है। इस रिसर्च को आगमन इंडक्टिव रूप में माना जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन उद्देश्य मानव व्यवहार व उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को गहराई से समझना होता है। इस रिसर्च में वेरिएबल्स का उनकी क्वालिटेटिव के आधार पर एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च न केवल क्या, कहाँ, कब प्रश्नों की जांच करती है, बल्कि क्यों और कैसे की भी। इस प्रकार के रिसर्च में बड़े सैंपल्स के बजाय छोटे लेकिन फोकस्ड सैंपल्स को ज़्यादा उपयोगी माना गया है। गुणात्मक शोध में हाइपोथेसिस का प्रयोग नहीं करते। क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च के निष्कर्ष में भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है। यह कारण का विश्लेषण और सत्यापन करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे यदि हमें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण प्रभावशीलता के बारे में अध्ययन करना है, तो जो संबंधित तथ्य सामने आते हैं उन्हीं को ऑब्जर्व और रिकॉर्डिंग करके वर्णात्मक तथ्यों के रूप में शिक्षण प्रभावशीलता की गुणात्मक तथ्यों पर टिप्पणी की जाएगी। अब इसी में आ जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज अक्सर नीति और कार्यक्रम मूल्यांकन रिसर्च के लिए किया जाता है। विश्वसनीयता और वैधता को क्वालिटेटिव रिसर्च का एक मेन विषय माना जाता है। किसे, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को। क्वालिटेटिव रिसर्च की जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको देखेंगे, लेकिन हम मेनली क्वालिटेटिव रिसर्च कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन से होते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखना है कि ये कौन कौन से हैं, तो वो देख लिया है। अब आगे देख लेते हैं सर्वे जो कि क्वालिटेटिव से ही रिलेटेड है। सर्वे मेथड करेंगे, ये जो सामाजिक स्थिति का वर्णन करता है मेनली। तो सर्वे रिसर्च ये क्या है, सर्वे मेथड। इस विधि का उपयोग सामान्यतः सामाजिक तथा शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। किसके लिए, सामाजिक तथा शैक्षिक, सामाजिक
तथा शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। अनुसंधानकर्ता यानी जो रिसर्चर है अपने सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कम समय में करना चाहता है या कम समय में लोगों के मत का सर्वेक्षित करना चाहता है तो वह सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करता है, सर्वे मेथड का प्रयोग करता है। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक अध्ययन है, एक प्रक्रिया है इसके द्वारा किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में विश्वसनीयता तथ्यों का विस्तृत संकलन किया जाता है। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा है एक्शन रिसर्च, जो कि अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट है, उसके बारे में देख लेते हैं। एक्शन रिसर्च कौन सा होता है? मेनली उसमें सिर्फ इमीडिएट एक्शन के बारे में बात करते हैं कि तुरंत की स्थिति, ठीक है, तुरंत की स्थिति, जैसे इमीडिएट एक्शन रहता है यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक, यूनिवर्सिटी, ये मेन शैक्षिक स्तर में यूज होता है। दो चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली है, मेनली कि इमीडिएट एक्शन का यूज होता है कि मतलब तुरंत का, इमीडिएटली, और इसका यूज़ कहाँ होता है? एकेडमिक बैकग्राउंड में, यूनिवर्सिटीज़ में, संगठन जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उसमें, इंस्टीट्यूट में, अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट है, बस इतना ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक में हमारा जो 10वां टॉपिक है रिसर्च का, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथा यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।